उपयंत्री दीपचंद कुशवाहा पर कोलारस के रोहित रावत ने मोबाइल से फर्जी मूल्यांकन का दबाव बनाया। मना करने पर की अभद्रता, कहा कार्यवाही नहीं हुई तो उपयंत्री एवं सहायक मंत्री कलम बंद हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आज कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंप कर कोलारस के रोहित रावत पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के संरक्षक राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कल हमारे साथी उपयंत्री दीप चंद्र कुशवाहा, जो कि वर्तमान में जनपद पंचायत खनिया धाना में पदस्थ हैं एवं जनपद पंचायत कोलारस के पूर्व से प्रचलित विभागीय निर्माण कार्यों के प्रभारी उपयंत्री भी हैं, इनके साथ कोलारस में रहने वाले रोहित रावत द्वारा मोबाइल से फर्जी मूल्यांकन का दबाव बनाया एवं फर्जी मूल्यांकन के लिए मना करने पर अभद्रता की एवं गाली गलौज करते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार की कई घटनाओं पूर्व में भी हमारे अन्य साथियों के साथ हो चुकी है। रोहित रावत आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे हम सभी भयमुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में समस्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री कलम बंद हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। आईएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला लेके आए हो? हमारे साथ एक घटना हुई है, इस मामले में आए हैं। मैं जनपद खनियाधाना पदस्थ हूँ और बूथ के प्रभार के कारण जो कोलारस में चल रहे थे उसमें काम कर कार्य करने वालों द्वारा मुझे फर्जी मूल्यांकन करने का दबाव बनाया गया, जिसको हमने उनको समझाया कि पहले कार्य करें फिर मूल्यांकन करके आपका भुगतान करा दिया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने जबरदस्ती करी और गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और मारने की धमकी। कौन लोग हैं सर वो? रावत करके हैं। अच्छा, उसके साथ भी और कुछ लोग हैं क्या? नहीं, रोहित रावत के साथ भी और कोई है? दूरभाष पे संपर्क हुआ। अच्छा, फोन पे धमकी दी, फोन पे धमकी दी है, जिसकी रिपोर्टिंग भी। केस दाखिल। कौन से पद पे पदस्थ हैं सर आप? मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर अध्यक्ष हूँ सीपरी जिले का। आई एस पी साहब के पास आए हो, क्या मामला लेके आए हो? ये हमारे एक आरईएस के साथी है, दीपचंद कुशवाहा सब इंजीनियर। कहाँ पे पदस्थ हैं वो सर? कोलारस में पूरा पदस्थ थे, अभी वर्तमान में खनिया दाने में। अच्छा, कुछ सड़क का वैल्यूएशन करने के चक्कर में रावत है, उनसे मतलब उनको धमकी दी है, जान से मारने की धमकी है। इस घटना के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर, माननीय कलेक्टर साहब को, एस पी साहब को दिया है। इसमें FIR की मांग की गई है। अगर तो क्या थाने पे FIR नहीं हुई थी क्या इनकी? नहीं, अब थाने में पहले भूल दिया था, लेकिन FIR हुई नहीं। अभी यहाँ पर दिया है तो आश्वासन दिया गया है FIR हो जाएगी। अगर FIR नहीं होती है तो हम लोग कलम बंद हड़ताल भी करेंगे।